आजकल हर फास्ट फूड में अजीनोमोटो का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। चाउमीन हो या फिर मोमो, हर किसी को खाना बहुत पसंद है। आजकल फास्ट फूड का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। अब ऐसे में इन सभी खानों में अजीनोमोटो को खास कर डाला जाता है, और अजीनोमोटो का सेवन यदि आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको बता दें कि अजीनोमोटो को MSG भी कहते हैं। MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये प्रोटीन का हिस्सा है जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अजीनोमोटो से होने वाले नुकसान के बारे में बताने जा रही हैं। अगर आप भी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें अजीनोमोटो का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। अजीनोमोटो खाने से क्या कुछ नुकसान हो सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। कई लोगों में अजीनोमोटो के सेवन करने के बाद सिर दर्द, मतली, उल्टी, ये इस तरीके की परेशानियों को देखा गया है। अजीनोमोटो में सबसे अधिक अमीनो एसिड की मात्रा पाई जाती है। आइए जानते हैं इससे होने वाले क्या कुछ नुकसान होते हैं। महिलाएं अजीनोमोटो के अधिक सेवन से बांझपन की परेशानी का सामना कर सकती हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। अजीनोमोटो महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकती है। आजकल ज्यादातर युवाओं में माइग्रेन की परेशानी देखी गई है। इसका एक कारण अजीनोमोटो का सेवन भी हो सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन की परेशानी है उन्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। वैसे फास्ट फूड तो खास कर नहीं खाने चाहिए जिसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया हो। बार बार माइग्रेन का दर्द दिमाग पर भी असर डाल सकता है, इसीलिए अगर आप माइग्रेन की परेशानी से जूझ रही हो तो अजीनोमोटो से भरे हुए फास्ट फूड को खाना अवॉइड करें। अजीनोमोटो का सेवन हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें बार बार भूख लगती है और हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो मोटापे का बड़ा कारण होता है। जिन लोगों को मोटापे से बचना है उन्हें अजीनोमोटो का सेवन नहीं करना चाहिए। अजीनोमोटो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मस्तिष्क की कोशियों या फिर न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है, जिसके कारण आपको रात भर नींद नहीं आएगी। इसका असर ये होगा कि आप दिन में काम करते वक्त सोएंगे, आपका काम ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर पर्याप्त मात्रा में नींद ना मिले तो दिन भर आदमी परेशान रहता है, अनहेल्दी फील करता है। तो अगर आपको नींद ना आने की बीमारी पहले से भी है तो अजीनोमोटो से भरा फूड खाना अवॉइड करें। और अगर अभी भी आप अजीनोमोटो खाते हैं और आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो अपने इस आदत को कंट्रोल में कर लें, क्योंकि क्या पता है आपको भविष्य में ऐसी कोई बीमारी का सामना करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बता सकते हैं।